everyone, welcome back to my channel and those who are new on this channel, please do not forget to subscribe our amazing channel. And this lecture is regarding splicing of introns. Introns ki agar baat karein, toh there are four classes of introns. First one is the group 1 introns, second one is the group 2 introns, third one is the spliceosomal introns and there is a fourth class of introns jo ki certain tRNAs mein present hote hain. ग्रुप वन एंड ग्रुप टू इंट्रॉन्स की अगर बात करें तो इनकी स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म डिफरेंट होती है, बट इन दोनों में एक चीज कॉमन है, दैट इज बोथ आर सेल्फ स्प्लाइसिंग. सेल्फ स्प्लाइसिंग क्या होता है? सेल्फ स्प्लाइसिंग की अगर बात करें तो वैसा स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म जिसमें किसी भी प्रोटीन एंजाइम्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है. सेल्फ स्प्लाइसिंग क्या है? वैसा स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म जिसमें किसी भी प्रोटीन एंजाइम्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है. सेल्फ स्प्लाइसिंग की अगर बात करें तो सेल्फ स्प्लाइसिंग इंट्रॉन्स वॉज फर्स्ट रिवील्ड इन 1982 इन स्टडीज ऑफ स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म ऑफ ग्रुप 1 आरआरएनए इंट्रॉन्स. ग्रुप 1 आरआरएनए इंट्रॉन्स की जो सेल्फ स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म है उनकी जब स्टडी हो रही थी तब इस मैकेनिज्म का डिस्कवरी हुआ था. और इसको डिस्कवर कौन किए थे? इसको डिस्कवर किए थे थॉमस सेक एंड कलिग्स. इन्होंने होस्ट ऑर्गेनिज्म क्या यूज किया था? इन्होंने होस्ट ऑर्गेनिज्म यूज किया था सिलिएटेड प्रोटोजोन्स, दैट इज टेट्राहाइमनिया थर्मोफिला. सो टेट्राहाइमनिया थर्मोफिला से इन्होंने डीएनए को आइसोलेट किया और वैसा डीएनए जिसमें इंट्रॉन्स प्रेजेंट थे. सो टेट्राहाइमनिया से इन्होंने डीएनए आइसोलेट किया और उस डीएनए को इन विट्रो क्या किया? ट्रांसक्राइब किया. ट्रांसक्रिप्शन इज व्हाट? ट्रांसक्रिप्शन इज फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए टेम्पलेट. सो आरएनए का फॉर्मेशन जब डीएनए टेम्पलेट से बनता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन. सो इस टेट्राहाइमनिया डीएनए को इन विट्रो इन्होंने ट्रांसक्राइब किया बाय यूजिंग प्यूरिफाइड बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज. ऑब्वियसली ट्रांसक्रिप्शन आरएनए पॉलीमरेज के थ्रू होता है, सो इसलिए इन्होंने बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज यूज किया. द रिजल्टिंग आरएनए स्प्लाइस्ड इटसेल्फ एक्यूरेटली विदाउट एनी प्रोटीन एंजाइम्स फ्रॉम टेट्राहाइमनिया. सो द डिस्कवरी दैट आरएनए कुड हैव कैटालिटिक फंक्शन वाज माइलस्टोन इन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम. सो अभी तक लोग ये जानते थे कि जो एंजाइम्स होते हैं वो एंजाइम्स सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन्स होते हैं, बट इस स्टडी के बाद ये भी कंफर्म हो गया कि एंजाइम सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन नहीं होते हैं, आरएनए भी कैटालिटिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं. और वैसा एंजाइम जो बाई नेचर आरएनए होता है उसको बोलते हैं राइबोजाइम. बट स्टिल मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स जो होते हैं प्रोटीन्स होते हैं. कुछ एक्सेप्शन है जो कि आरएनए भी कैटालिटिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं. सो सेल्फ स्प्लाइसिंग क्या हुआ? वैसा स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म जिसमें कोई भी प्रोटीन्स एंजाइम की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है. ग्रुप वन इंट्रॉन्स की अगर बात करें तो दे आर फाउंड इन सम न्यूक्लियर माइटोकॉन्ड्रियल एंड क्लोरोप्लास्ट जीन्स कोडिंग फॉर आरआरएनए, एमआरएनए एंड टीआरएनए. सो आरआरएनए, एमआरएनए एंड टीआरएनए तीनों को कोड करने वाले जीन्स में ग्रुप वन इंट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि न्यूक्लियर माइटोकॉन्ड्रियल एंड क्लोरोप्लास्ट जीन इनकोड करते हैं. ग्रुप टू इंट्रॉन्स की अगर बात करें तो दे जनरली फाउंड इन प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल एंड क्लोरोप्लास्ट एमआरएनए इन फंजाई, एल्गी एंड प्लांट्स. ग्रुप वन एंड ग्रुप टू इंट्रॉन्स कुछ बैक्टीरियल में भी प्रेजेंट होते हैं. ग्रुप वन एंड ग्रुप टू इंट्रॉन्स की एक और कॉमन चीज है. एक तो कॉमन क्या है? सेल्फ स्प्लाइसिंग होते हैं, मींस इनकी स्प्लाइसिंग के लिए कोई भी प्रोटीन्स एंजाइम की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है. जो दूसरी सिमिलरिटी है, दे डू नॉट रिक्वायर हाई एनर्जी को फैक्टर फॉर स्प्लाइसिंग. मींस ग्रुप वन एंड ग्रुप टू इंट्रॉन्स के लिए स्प्लाइसिंग में एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. लेकिन अगर स्प्लाइसोसोमल इंट्रॉन की अगर बात करें तो यहाँ पे एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है. क्या होती है? एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, बट नॉट फॉर स्प्लाइसिंग, ओनली फॉर असेंबली ऑफ स्प्लाइसियोजोम. किस लिए होती है? असेंबली ऑफ स्प्लाइसियोजोम. स्प्लाइसियोजोम की असेंबली के लिए होती है एटीपी की रिक्वायरमेंट. लेकिन जो फोर्थ क्लास ऑफ इंट्रॉन है जो कि सर्टेन टीआरएनएस में प्रेजेंट होते हैं, एटीपी इज रिक्वायर्ड
फॉर वॉट एटीपी इज रिक्वायर्ड फॉर स्प्लाइसिंग. एटीपी की रिक्वायरमेंट किस लिए होती है? स्प्लाइसिंग के लिए होती है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है ग्रुप वन एंड ग्रुप टू इंट्रॉन्स के लिए कि जो ग्रुप वन एंड ग्रुप टू इंट्रॉन्स होते हैं उनमें दो ट्रांस स्टेरिफिकेशन स्टेप होते हैं. सो दिस इज द फर्स्ट ट्रांस स्टेरिफिकेशन स्टेप. और ग्रुप वन इंट्रॉन्स के स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म की सबसे खास बात यह है कि इसमें ग्वानोसिन की रिक्वायरमेंट होती है. ग्वानोसिन इज ए कोफैक्टर. ये न्यूक्लियोसाइड के फॉर्म में भी हो सकता है, न्यूक्लियोटाइड के फॉर्म में भी हो सकता है. अब इस ग्वानोसिन का जो ओएच ग्रुप है दैट इज 3' OH, 2' OH भी हो सकता है, 3' OH भी हो सकता है. लेकिन यहाँ जो दिखाया गया ये 3' OH है. 3' OH जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है और ये इस फॉस्फोरस पे अटैक करता है एंड फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बनाता है. एंड दिस फॉस्फोएस्टर बॉन्ड इज फॉर्मिंग एट द कॉस्ट ऑफ दिस फॉस्फोएस्टर बॉन्ड. मीन्स अगर ये फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बनेगा तो ये फॉस्फोएस्टर बॉन्ड ब्रेक होगा और ये जब ब्रेक होता है तो एक्सॉन क्या होता है? फ्री हो जाता है. और ये ग्वानोसिन कोफैक्टर जो है इंट्रॉन के साथ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना लेता है. एंड दीज रिएक्शंस आर वेरी सिमिलर टू डीएनए ब्रेकिंग एंड रीज्वाइनिंग रिएक्शंस प्रमोटेड बाय ट्रोपोआइसोमरेज एंड साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेजेस. एंड दिस इज द स्प्लैशिंग मैकेनिज्म ऑफ ग्रुप वन इंट्रॉन्स. ग्रुप वन इंट्रॉन की क्या खास बात है? एज आई सेड राइटली ग्रुप वन इंट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है ग्वानोसिन न्यूक्लियोसाइड या न्यूक्लियोटाइड कोफैक्टर. अब इस ग्वानोसिन का जो OH ग्रुप है ये OH क्या करता है? न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है और इस फॉस्फोरस पे अटैक करता है और इस एडीनोसिन के साथ क्या बनाता है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. अगर ये ग्वानोसिन इस इंट्रॉन के एडीनोसिन के साथ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाएगा तो ये 5' एक्सॉन क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा. नाउ अब इस 5' एक्सॉन का जो यूरिडीन है ये यूरिडीन का जो OH है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है और ये इस फास्फोरस पे क्या करता है? अटैक करता है जो कि 3' एक्सॉन का पार्ट है. अब इस फास्फोरस पे अटैक करेगा तो डेफिनेटली ये U इस U के साथ क्या बनाएगा? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाएगा. उससे क्या होगा? ये इंट्रॉन्स क्या होंगे? रिलीज हो जाएंगे. एंड दिस इंट्रॉन इज लीनियर इंट्रॉन. सो ग्रुप वन इंट्रॉन की स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म में जो इंट्रॉन्स रिलीज होते हैं दे आर लीनियर फॉर्म. यहाँ पे दो ट्रांस स्टेरिफिकेशन स्टेप हुआ. दिस इज द फर्स्ट ट्रांस स्टेरिफिकेशन स्टेट एंड दिस इज द सेकेंड ट्रांस स्टेरिफिकेशन स्टेट. सो दिस इज द स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म ऑफ ग्रुप वन इंट्रॉन्स एंड दिस इज द स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म ऑफ ग्रुप टू इंट्रॉन्स. ग्रुप टू इंट्रॉन्स की खास बात ये होती है कि इनके इंटरनल सीक्वेंस इन्वॉल्व होते हैं फॉर द स्प्लाइसिंग. इसमें क्या सीक्वेंस होता है? सी ए ए 3 सीक्वेंस होते हैं, 3 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं सी ए ए. अब ये जो सी ए ए का बीच वाला एडिनोसिन है इसका OH ग्रुप क्या करता है? न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है. एंड दिस OH ग्रुप इज 2' OH ग्रुप. अब ये 2' OH ग्रुप क्या करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा और इस फॉस्फोरस पे अटैक करेगा. इट मीन्स कि ये एडिनोसिन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा. किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? इंट्रॉन का जो ग्वानोसिन है ग्वानोसिन के साथ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाएगा. जब ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाएगा तो ये वाला क्या हो जाएगा? पार्ट फ्री हो जाएगा. दिस एक्सॉन विल बी फ्री. अब ये एक्सॉन फ्री हो जाएगा तो इसके एंड पे क्या है? यूरिडीन है. यूरिडीन का जो OH है अब ये OH किस पे अटैक करेगा? इस एक्सॉन के फॉस्फोरस पे अटैक करेगा और इससे फॉस्फोरस पे अटैक करेगा तो ये पूरा का पूरा इंट्रॉन्स क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा और दोनों एक्सॉन क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे बाय फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. अब यहाँ पे आते हैं इस इंट्रॉन का जो स्ट्रक्चर है ये लीनियर नहीं है. दिस इज ब्रांच्ड लैरिएट. ये क्या है? दिस इज ब्रांच्ड लैरिएट. ब्रांच्ड लैरिएट स्ट्रक्चर. ये क्या है? ब्रांच्ड लैरिएट स्ट्रक्चर है. अब इस ब्रांच्ड लैरिएट स्ट्रक्चर की खास बात ये है ये जो एडिनोसिन है ये बॉन्ड बनाता है किसके साथ? ग्वानोसिन के साथ. इट मीन्स कि जो बीच वाला एडिनिन है ये 3' फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़ा हुआ है. एक तरफ जी, एक तरफ सी और एक तरफ ए. ये 3' फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़े हुए हैं. एंड लैरिएट फॉर्मेशन इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ग्रुप टू इंट्रॉन्स नॉट ग्रुप वन इंट्रॉन्स.
इसमें भी दो ट्रांस एस्टरिफिकेशन स्टेप हुआ. दिस इज द फर्स्ट ट्रांस एस्टरिफिकेशन स्टेप एंड दिस इज द सेकेंड ट्रांस एस्टरिफिकेशन स्टेप. तो चाहे ग्रुप वन इंट्रॉन हो या ग्रुप टू इंट्रॉन्स हो, उसमें दोनों में दो ट्रांस एस्टरिफिकेशन स्टेप होते हैं. द थर्ड वन इज द स्प्लाइसोजोमल इंट्रॉन्स. स्प्लाइसोजोमल इंट्रॉन्स की अगर बात करें तो ये सेल्फ स्प्लाइसिंग इंट्रॉन्स नहीं होते हैं एंड मोस्ट ऑफ द इंट्रॉन्स आर नॉट सेल्फ स्प्लाइसिंग एंड दीज टाइप्स आर नॉट डेजिग्नेटेड विथ ग्रुप नंबर एंड इट इज द थर्ड एंड लार्जेस्ट क्लास ऑफ इंट्रॉन्स. स्प्लाइसोजोमल इंट्रॉन्स की कुछ खास बातें हैं. ये प्रेजेंट होता है न्यूक्लियर mRNA ट्रांसक्रिप्ट में. मीन्स न्यूक्लियर mRNA प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट. इट मीन्स कि ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है. इट मीन्स कि ये सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं, प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं. बिकॉज देयर रिमूवल अकर्स विद इन एंड इट कैटलाइज्ड बाय लार्ज प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जिसको बोलते हैं स्प्लाइसियोजोम. सो स्प्लाइसियोजोमल इंट्रॉन्स की जो स्प्लाइसिंग होती है वो एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर में होती है जो कि लार्ज प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, उसको बोलते हैं स्प्लाइसियोजोम. इस स्प्लाइसियोजोम के अंदर इंट्रॉन्स की क्या होती है, स्प्लाइसिंग होती है बाय द सेम लैरियट फॉर्मिंग मैकेनिज्म एज ग्रुप टू इंट्रॉन्स. स्प्लाइसियोजोम की अगर बात करें तो इट इज स्पेशलाइज्ड राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स. ये क्या है, स्पेशलाइज्ड राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स. इट मींस कि ये आरएनए एंड प्रोटीन्स दोनों के बने होते हैं एंड दे आर स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स जिसको SNRNP बोलते हैं. SNRNP स्टैंड्स फॉर स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स जिसको स्नर्व्स से भी प्रोनंसिएशन करते हैं. ईच SNRNP कंटेन्स वन ऑफ द क्लास ऑफ यूकैरियोटिक आरएनए जिसको बोलते हैं स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए दैट इज SNRNA जो कि 100 टू 200 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग होते हैं. आरएनए की अगर बात करें तो टोटल 5 SNRNA प्रेजेंट होते हैं दैट इज U1 U2 U4 U5 एंड U6. U3 को छोड़ के फ्रॉम U1 टू U6 इन्वॉल्व होता है फॉर द स्प्लाइसिंग रिएक्शंस. और ये कहां प्रेजेंट होते हैं, ऑब्वियस सी बात है न्यूक्लियस में स्प्लाइसिंग होता है तो ये न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट होगा. RNA and proteins in SNRNP are highly conserved in eukaryotes from yeast to humans. And this is the pathway of splicing. Basically, this is the mechanism of splicing, जो कि step by step explain किया हुआ है. स्प्लाइसियोजोमल इंट्रॉन की खास बात यह है कि जो स्प्लाइसियोजोमल इंट्रॉन होते हैं उनके 5 प्राइम पे एंड 3 प्राइम पे डाई न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं जो कि मार्क करता है स्प्लाइसियोजोमल इंट्रॉन्स को. और वो डाई न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस क्या होते हैं, जो 5 प्राइम पे होते हैं इट इज GU एंड 3 प्राइम पे जो होता है इट इज AG. 3 प्राइम पे क्या होता है, AG. सो 5 प्राइम स्प्लाइस साइट पे कौन सा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है, 5 प्राइम स्प्लाइस साइट पे GU होता है एंड 3 प्राइम स्प्लाइस साइट पे क्या होता है, AG होता है. सो U1 की अगर बात करें तो U1 SNRNA की कुछ सीक्वेंस जो होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं 5 प्राइम स्प्लाइस साइट ऑफ इंट्रॉन्स. इसीलिए U1 किससे बाइंड करता है, 5 प्राइम स्प्लाइस साइट पे बाइंड करता है. U2 की अगर बात करें तो U2 3 प्राइम स्प्लाइस साइट पे बाइंड नहीं करता है, नहीं 5 प्राइम स्प्लाइस साइट पे बाइंड करता है. ये बाइंड करता है इंटरनल सीक्वेंस पे. इंटरनल सीक्वेंस से इनका जो सीक्वेंस होता है सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री होता है, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होता है इसीलिए इंटरनल सीक्वेंस से बाइंड करता है. एंड इस इंटरनल सीक्वेंस की खास बात यह है कि इस पे एक एडिनोसिन होता है. ये एडिनोसिन क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है ड्यूरिंग स्प्लाइसिंग रिएक्शन. सो इस एडिनोसिन की खास बात यह है कि ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है ड्यूरिंग स्प्लाइसिंग रिएक्शन. सो U1 कहां बाइंड किया, U1 बाइंड किया 5 प्राइम स्प्लाइस साइट पे. U2 कहां बाइंड किया, इंटरनल सीक्वेंस पे जिस पे एडिनिन भी प्रेजेंट होते हैं जो कि न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है ड्यूरिंग स्प्लाइसिंग रिएक्शन. 3 प्राइम साइट पे अभी कुछ भी बाइंड नहीं करता है. सो जो इस बाइंडिंग है U1 एंड U2 की बाइंडिंग के लिए एक ATP की रिक्वायरमेंट होती है. सो एक ATP कंज्यूम करके U1 कहां बाइंड करता है, GU पे दैट इज 5 प्राइम स्प्लाइस साइट पे एंड U2 बाइंड करता है इंटरनल सीक्वेंस इन द इंट्रॉन. नेक्स्ट आता है U4 U6 एंड U5.
U4, U6 और U5 की बाइंडिंग के लिए भी 1 ATP की रिक्वायरमेंट होती है. नाउ दिस असेंबली इज स्प्लाइशियोजोम, बट दिस स्प्लाइशियोजोम इज नॉट एक्टिव, दिस स्प्लाइशियोजोम इज इनएक्टिव स्प्लाइशियोजोम. अब इनएक्टिव स्प्लाइशियोजोम से एक्टिव स्प्लाइशियोजोम में कैसे कन्वर्ट होगा? इनएक्टिव स्प्लाइशियोजोम से एक्टिव स्प्लाइशियोजोम में कन्वर्ट करने के लिए U1 एंड U4 को रिलीज करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? U1 एंड U4 को रिलीज करना पड़ेगा. एंड जैसे ही U1 एंड U4 रिलीज होता है, U1 एंड U4 को रिलीज करने के लिए भी 1 ATP की रिक्वायरमेंट होती है. सो U1 एंड U4 रिलीज होने के बाद क्या बचेगा? U2, U5 एंड U6 एंड दिस इज द एक्टिव स्प्लाइशियोजोम. सो यहाँ पे जो ATP की रिक्वायरमेंट हुई है, ATP यूज हुआ है स्प्लाइसिंग में नहीं, बल्कि असेंबली ऑफ स्प्लाइशियोजोम के लिए रिक्वायर्ड हुआ है. नाउ अब जैसे ही U1, U4 रिलीज होता है, U6 की खास बात यह है कि यह 5 प्राइम स्प्लाइस साइट से भी बाइंड करता है, मींस G से भी बाइंड करता है एंड U2 से भी बाइंड करता है. और इस तरह का जो असेंबली बनता है, इसमें लैरिएट फॉर्मेशन होता है. क्या फॉर्मेशन होता है? जो इंट्रॉन्स होते हैं उनका ब्रांच्ड लैरिएट फॉर्मेशन होता है. अब यहाँ पे कैटालिटिक स्टेप्स परफॉर्म होंगे, दैट इज स्प्लाइसिंग परफॉर्म होगा. और स्प्लाइसिंग जो होगा वो किसके जैसा होगा? स्प्लाइसिंग होगा ग्रुप 2 इंट्रॉन्स के जैसा. एंड देन बोथ एक्सॉन्स आर जॉइंड एंड दिस इज द ब्रांच्ड लैरिएट फॉर्मेशन इन इंट्रॉन रिलीज. सो ग्रुप 2 एंड स्प्लाइशियोजोम में जो स्प्लाइसिंग हुआ उसमें इंट्रॉन्स किस फॉर्म में निकलते हैं? इंट्रॉन्स निकलते हैं लैरिएट के फॉर्म में. सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ स्प्लाइशियोजोमल स्प्लाइसिंग ऑफ इंट्रॉन्स. सम mRNA इंट्रॉन्स आर स्प्लाइस्ड बाई लेस कॉमन टाइप ऑफ स्प्लाइशियोजोम. बेसिकली अभी जो हमने मैकेनिज्म देखा उसमें U1 एंड U2 snRNP थे, लेकिन कुछ स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म वैसे होते हैं जिसमें U11 एंड U12 snRP इन्वॉल्व होते हैं. U1 U2 रिकॉग्नाइज क्या करता था? 5 प्राइम GU एंड 3 प्राइम AG. लेकिन U11 एंड U12 क्या करेगा? रिमूव करेगा इंट्रॉन्स जिसमें 5 प्राइम AU एंड 3 प्राइम AC प्रेजेंट होगा. स्प्लाइशियोजोम्स यूज्ड इन न्यूक्लियर RNA splicing may have evolved from more ancient group 2 introns with snRNP replacing the catalytic domains of their self-splicing ancestor. Some components of splicing apparatus appear to be tethered to the CTD of RNA polymerase 2. CTD stands for carboxyl terminal domain. This suggests that an interesting model for the splicing reaction. As the first splice junction is synthesized, it is bound by a tethered spliceosome. Second splice junction is then captured by this complex as it passes, facilitating the juxtaposition of introns and the subsequent splicing process. After splicing, introns remain in the nucleus and eventually degraded. There is a fourth class of introns जो कुछ tRNA में present होते हैं. इनकी खास बात यह है कि इनके splicing के लिए ATP and endonuclease की requirement होती है. Suppose that this is the first exon and this is the intron and this is the second exon. So इसकी splicing के लिए ATP एंड इंडो न्यूक्लियेज की रिक्वायरमेंट होती है. अब ये जो इंडो न्यूक्लियेज है, दोनों जंक्शन को क्या करेगा? क्लीव करेगा. क्या करेगा? क्लीव करेगा एंड दैट क्लीवेज इज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्लीवेज एट बोथ एंड ऑफ द इंट्रॉन. अब इससे क्या होगा? इंट्रॉन रिलीज हो जाएगा और ये दोनों एक्सॉन क्या हो जाएंगे? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू लाइगेट हो जाएंगे एंड द मैकेनिज्म इज जस्ट लाइक DNA लाइगेज रिएक्शन. सो यूनिक चीजें क्या है इस क्लास ऑफ इंट्रॉन के लिए? इसके लिए स्प्लाइसिंग में ATP की रिक्वायरमेंट होती है एंड इंडोन्यूक्लियेज की रिक्वायरमेंट होती है. अभी तक जो तीनों इंट्रॉन्स पढ़े थे उसमें न ही तो ATP की रिक्वायरमेंट होती है फॉर द स्प्लाइसिंग और न ही इंडोन्यूक्लियेज की रिक्वायरमेंट होती है. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. Although spliceosomal introns appear to be limited in eukaryotes, other introns class are not. Genes with group 1 and group 2 introns have now been found in both bacteria and bacterial viruses. Bacteriophos T4 has several protein encoding genes with group 1 introns. Means group 1 and group 2 introns bacteria or bacterial viruses में भी present होते हैं.
introns appear to be more common in Archaebacteria than in Eubacteria. Eubacteria के comparison में Archaebacteria में introns more common होते हैं. So this is all about splicing mechanism of introns and stay tuned for the next video lecture and if you have any doubt and query please leave comment in the comment section.